हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कलर स्पेसेस के बारे में। एक भैया HSL और एक भैया HSV। RGB के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, बड़ा ही पॉपुलर जो एक कलर स्पेस है, कलर मॉडल, उसके बारे में तो भैया बात अपन समझ ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। लेकिन आज इसको डिस्कवर करते हैं, आज इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में भैया इसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो उससे पहले इसका मतलब, इसका इंट्यूशन जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो HSL है, ये जो HSV है, ये क्या है, किस तरीके से भैया ये चीजें काम करती हैं, कलर्स देती हैं, ये सारी चीजें अभी आज मैं आपको यहां पे विजुअली बताने वाला हूं। तो भैया सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं, HSL HSV समझना है तो एक सिलेंड्रिकल मॉडल अपन ने यहां पे ले लिया है। क्या लिया है? सिलेंड्रिकल मॉडल लिया है, जिसमें भैया HSL स्टैंड फॉर H फॉर ह्यू, S फॉर सैचुरेशन, L फॉर लाइटनेस। अब इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो आपको एक कलर की तरफ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है वो देखते हैं इस मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब यहां पे ह्यू का सबसे पहले मतलब क्या होता है, एक एक करके हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग समझते हैं कि आखिर व्हाट दे आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट ओके इन टू द कलर। तो ह्यू का मतलब क्या होता है, अब देखिए आप, ये जो मॉडल है सिलेंड्रिकल मॉडल, इसमें जो ये बाहरी पट्टा आपको दिख रहा है, ये जो बाहरी पट्टा आपको दिख रहा है जो कि डिग्रीज में घूम रहा है, 0 से 360 डिग्रीज के बीच में भैया ये जो पट्टा आपका कुछ इस तरीके से घूम रहा है सर्कुलर मैनर में, तो वो आपका ह्यू है, वो आपकी ह्यू की पोजीशन है। अगर इसको बेटर तरीके से समझना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इस पूरे पट्टे को मैंने खोल दिया, इस पट्टे को मैंने खोल दिया तो वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल की तरह आपको दिखेगा, जो कि शुरू होता है 0 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। बाकी भी डिग्रीज भैया बीच में होते हैं, बट दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये 0 से 360 डिग्री वाला जो फंडा है, ये जो पट्टा है, ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई देता है। अब इसमें होता क्या है, अलग अलग विविध विविध प्रकार के जो कलर्स हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा, ये सारे जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएं। कई बार आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो अपनी इमेज को जब आप एडिट करने जाते हो तो एक कलर बैंड सा दिखता है, कलर बैंड, तो ये वही कलर बैंड है। तो वो कलर बैंड में आप क्या करते हो, अपना कर्सर घुमाते हो, घुमाते घुमाते हो, तो वो लाल से पीले पे जाता है, पीले से नीले पे जाता है, नीले से हरे पे, समझ में आ रहा है बात आपको। इस तरीके से वो कलर जो है वो आपके उस रिस्पेक्टिव इमेज को देने की कोशिश करता है, दैट इज नथिंग बट द ह्यू, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, अब सैचुरेशन भी आपका 0 से 100% के बीच में जो है खेलता रहता है, मतलब यहां पे वो दिखाता है कि भैया कलर का प्रेजेंस कितना है, बराबर है, और ग्रे स्केल का प्रेजेंस कितना है। एक तरीके से आप ऐसा भी इसको देख सकते हो, अगर मान लीजिए मैंने सैचुरेशन 0 रख दिया, मैंने बिल्कुल ही सैचुरेशन 0% रख दिया, उसमें कोई भी भैया कलर आपको दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल ग्रे स्केल वाला जो इमेज है वो जैसा दिखता है वैसा आपको दिखाई देगा, नो प्रेजेंस ऑफ कलर विल बी देयर इन दिस इमेज। आप ट्राई करके देखिए, आप अपनी कोई भी इमेज ले लीजिए, एडिट में जाइए और सैचुरेशन पूरा ही 0 कर दीजिए, कोई सैचुरेशन मत रखिए, तो जैसे ही कर दोगे तो आपको पूरा ग्रे स्केल इमेज दिखेगा, कलर का कोई भी प्रेजेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर अपन ऐसा करें कि वो सैचुरेशन को भैया अपन बढ़ाते जाए तो आपको दिखेगा कलर का प्रेजेंस दिख रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में कलर का प्रेजेंस जो है वो आपको इमेज में दिखाई देगा। और जैसे ही आप सैचुरेशन फुल कर दोगे, 100% कर दोगे, तो आपको भैया कलर ही कलर जो है वो दिखाई देंगे, ग्रे स्केल नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से भैया जो सैचुरेशन का मामला है वो चल रहा है। और वो सैचुरेशन कहां लोकेटेड होता है, यहां पे। इस तरीके से आप देखोगे, इस डायरेक्शन में जो है वो सैचुरेशन काम जो है वो करता है, यहां पे 0 होता है, यहां 100% होता है, शुरुआत यहां से होती है उसकी 0 से, बराबर है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो 100% तक जाता है, ट्रू कलर जो है वो उसका प्रेजेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। और लाइटनेस क्या होता है भैया, लाइटनेस मतलब भैया देखो आप जो भी अपनी इमेज है उसमें कितना लाइट रखना चाहते हो, बराबर है, उसमें कितनी लाइटनेस रखना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल ही लाइट को 0 कर दोगे तो वो पूरा ब्लैक इमेज हो जाएगा, बिल्कुल ही 1 कर दोगे तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो कि इस तरीके से उसका डायरेक्शन है, लाइट का डायरेक्शन किस तरीके से, लाइटनेस का इस तरीके से, तो यहां जब आप उसको बिल्कुल ही हाई कर देते हो तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा व्हाइट दिखता है, ये पूरा व्हाइट दिखता है। और अगर आप बिल्कुल ही उसको लो रखते हो, 0 रखते हो, 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू है, अगर आप उसको पूरा 0 रखते हो तो ये पूरा नीचे का जो पोर्शन है वो ब्लैक हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही किस तरीके से कलर से खिलवाड़ की जा रही है। अगर इसको और बेटर वे में समझना है तो अपन चलो यहां पैरामीटर लेते हैं, ह्यू और लाइटनेस को बढ़िया तरीके से समझते हैं। यहां पे वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाइटनेस की, ठीक है। अब यहां पे कलर होंगे, लेकिन वो कलर जो है अगर मैं उसमें लाइटनेस 0 कर दूं तो वो मुझे सिर्फ ये जो पूरा पट्टा है ये मुझे ब्लैक दिखाई देगा, मतलब ये वाला जो पूरा पट्टा है डार्क दिखेगा इनिशियली। जैसे जैसे आप लाइटनेस की जो वैल्यू है बेसिकली, जैसे जैसे गिराते जाओगे आपके कलर डार्क 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 ब्लैक 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 की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो फाइनली वो जब वो इस लाइन को टच कर जाएगा और बहुत ही नजदीक आएगा, L इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ब्लैक दिख जाएगा। लेकिन अगर उसी का उल्टा करो, अगर लाइटनेस को बढ़ाते जाओ तो जैसे जैसे भैया आप लाइटनेस को बढ़ाते जाओगे, 1 तक पहुंच जाओगे, तो ये पूरा अपर बैंड जो है, ये पूरा अपर बैंड आपका व्हाइट दिखेगा। यानी कि किस तरीके से आपको यहां बिहेवियर देख रहा है, पहली बात तो व्हाइट,
फिर कुछ कलर कलर होगा, फिर कलर डार्क होते जाएगा और कुछ इतना डार्क होते जाएगा कि वो ब्लैक हो जाएगा, वो बैंड जो है ब्लैक हो जाएगा व्हेन एल इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है आपके एचएसएल का चल रहा है और वो कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसमें भी दो पैरामीटर आपके सेम ही है, इसमें भी क्या है भैया, एच वही है एस वही है, देखो पोजिशन वही है, एच का भी पोजिशन वही है एस का भी पोजिशन वही है, मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ फर्क है भैया एक थर्ड पैरामीटर, यहाँ पे वी है, लाइटनेस नहीं यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे क्या है भैया वैल्यू है। अब इस वैल्यू को अगर अपने को समझना है तो आपको इस बैंड को थोड़ा खोल के उस पट्टे को रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आप देखो ह्यू अगर यहाँ कंसिडर करता हूँ, उसकी डिग्री यहाँ कंसिडर करता हूँ, उसके कलर यहाँ पे होंगे लाल नीला पीला हरा, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जब मैं वैल्यू को जीरो और वन के बीच में फ्लक्चुएट करता हूँ देन वॉट इज द रिस्पॉन्स, तब हमें यहाँ पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा। अब जैसे आपने देखा था कि मैंने लाइटनेस को जीरो रखा था तो ब्लैक दिख रहा था, पूरा ब्लैक दिख रहा था, उसी तरीके से अगर मैं वैल्यू को भी जीरो रखता हूँ तो मुझे ब्लैक दिखाई देगा, मुझे कोई कलर का प्रेजेंस वहां नहीं दिखाई देगा। जैसे ही मैं वैल्यू को जीरो रखता हूँ तो वो जो बैंड है, जो लोअर बैंड है, वो पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाते जाता हूँ, आपको दिखेगा कि भैया जो उसका ट्रू पोटेंशियल कलर है वो आपके सामने प्रेजेंट होता जाएगा। ट्रू पोटेंशियल कलर लाल है तो वो लाल अपने ट्रू पोटेंशियल कलर में आपको वहां पे दिखाई देगा, जब उसकी वैल्यू फुल होगी, जब उस कलर की वैल्यू फुल होगी तो वो आपको कलर जो है उसके ट्रू पोटेंशियल में दिखाई देगा, एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। तो यहाँ पे भैया मामला जो है ना वो व्हाइट नहीं होता, जब आपकी वैल्यू हाई होती है या हाईएस्ट होती है तो वो वहां पे व्हाइट नहीं होता, वो कलरफुल होता है। ये चीज आपको, ये डिफरेंस समझना है। यहां पे पूरा ऊपर का मामला, जब आपका लाइटनेस जब पूरी हाई होती है, वन होती है, तो ये पूरा व्हाइट हो जाता है, सही बात है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां पे ऊपर का मामला पूरा कलरफुल रहता है। व्हाइट कहां होता है पता है, व्हाइट सिर्फ यहां होता है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना, ये वाला जो पोर्शन जो एकदम बीच का कोर पार्ट है, बराबर जैसे अपने पृथ्वी का जो कोर रहता है वो अपन कैसे दिखाते हैं, ज्वालामुखी से लाल लावा से दिखाते हैं, सही बात है कि नहीं, तो वैसे इसका जो कोर है, इस सिलेंड्रिकल मॉडल का जो कोर होगा वो व्हाइट होगा, तो इस जगह पे तो व्हाइट का प्रेजेंस दिखेगा, लेकिन आपके दिमाग में अभी सवाल होगा कि भैया ब्लैक का प्रेजेंस इस पर्टिकुलर मॉडल में कहां दिखेगा। बड़ा सिंपल है, ब्लैक आपको यहां देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहानी तो सेम ही है ना, ब्लैक वाले बैंड की तो कहानी सेम ही है कि अगर आप वैल्यू जीरो रखते हो, लाइटनेस जीरो रखते हो तो ब्लैक ही दिखेगा। तो यहां पे जो काला पोर्शन है वो आपको यहां पे नीचे नीचे स्तर पे, इस सिलेंड्रिकल के बॉटम पे आपको जो ब्लैक शेड है वो ज्यादा डार्क होते हुए देखने को मिल जाएगी, और एकदम लास्ट में भैया पूरा ब्लैक ही होगा, पूरा मामला ही ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से भैया आपका जो ये मॉडल है वो आपको दिखाई देने वाला है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्टल आइडिया हो चुकी होगी कि भैया आखिरकार ये जो HSL और HSV ये मामला क्या है, ये कलर स्पेसेस के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। अगर मिल गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।